नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही खास खबर लेकर आए हैं। आने वाले 3 दिनों में आपके दुश्मनों के षड्यंत्र की लिस्ट बन चुकी है, संभल कर रहना होगा। दोस्तों आप सभी को बता दें, आज हम आपके एक एक दुश्मनों की बात आपको बताने वाले हैं। दोस्तों पापों का घड़ा भरने से पहले आज की इस वीडियो को देख लें। जी हाँ दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। इस जानकारी के बारे में आपको भनक नहीं है, भनक होगी भी कैसे है कि आपको ज्योतिष विद्या का ज्ञान नहीं है और आपको ग्रह की बदलती हुई चाल के बारे में भी नहीं पता होता है। याद रखें कि जब आप किसी विद्वान की बात सुनते हैं तो जीवन का मार्गदर्शन बहुत अच्छी तरह से हो पाता है। एक बार की बात है दोस्तों, व्यक्ति अपने जीवन में जो भी कर्म करता है, जो भी बातें करता है, उसका अवलोकन उसे अच्छी तरह से करना चाहिए, तभी वह आगे बढ़ सकता है। दोस्तों कुछ गलतियां हैं जो जीवन को अस्त व्यस्त बनाती हैं। काम धंधे में आपकी रुकावटें आने यदि शुरू हो रही हैं, लोगों के साथ आपके रिश्ते थोड़े थोड़े करके बिगड़ने भी शुरू हो गए हैं, आपकी बातों का लोगों पर नकारात्मक प्रभाव होना शुरू हो चुका है, और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि आपकी मानसिक शांति भंग होनी शुरू हो गई है, यानी कि कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है, कुछ बात ऐसी हो जाती है जिससे आप बेचैन होने लगते हैं, अंदर ही अंदर दोस्तों आपको कष्ट होने लगता है। हम आपको बता दें कि यह समय ऐसा चल रहा है कि जब आप किसी को अच्छी बात भी यदि बताएंगे तो उसे बुरी लग जाएगी, आपकी अच्छी भली सलाह भी लोग नकारात्मक रूप में ले लेंगे और आपकी छवि खराब कर देंगे। तो दोस्तों ऐसे में आपको केवल अपने काम पर ध्यान देना है, यह आप लोगों के लिए नकारात्मक समय है। आपकी राशि में एक ऐसा खतरनाक योग बन रहा है जो आप लोगों को कर सकता है, परेशान कर सकता है, और ऐसे में दोस्तों हम ये चाहेंगे कि आपको इस योग के रोग के बारे में पूरा ज्ञान हो। इसके साथ ही साथ इससे बचाव और इसका सही उपाय भी आप सभी को बताना बहुत आवश्यक है। तो वीडियो में बने रहें और सारी बातों को विस्तार से समझने का प्रयास करें, अन्यथा होगा ये कि अगले 3 दिनों में आपके जीवन काल में कुछ न कुछ विनाशकारी घटना होकर रहेगी। अब आपके जीवन में कुछ ऐसा भी समय आ चुका है कि जब आपके परिवार में भी आप लोगों को थोड़ी बहुत नकारात्मकता देखने को मिल रही है। पारिवारिक माहौल आपका दूषित होने लगा है, इसलिए दोस्तों लड़ाई झगड़े से बचने की आवश्यकता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपके राशि के महाराशि फल के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं दोस्तों कि ये समय आपके लिए दुर्लभ रहने वाला है, क्योंकि बाहरी चीजों से दोस्तों आप लड़ लोगे, लेकिन घर के अंदर जो माहौल है उससे आप कैसे लड़ोगे। तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों को कई तरह की भावनात्मक चोट पहुंच सकती है, थोड़ी बहुत परिवार में कहा सुनी हो सकती है, किसी पुरानी बात को लेकर के दोस्तों कोई झगड़े की या फिर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हम आपको बता दें कि आप भावनात्मक तौर पर थोड़े कमजोर इंसान हैं, आपकी भावनाएं आपके काबू में नहीं रहती है, इसी वजह से दोस्तों आप पीड़ित रहते हैं, परेशान रहते हैं। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि भावनात्मक तौर पर कमजोर होना कोई बुरी बात नहीं है, इंसान एक भावुक प्राणी है और भावनाएं इंसान को बनाती हैं, लेकिन दोस्तों जब इंसान की भावनाएं मोह में बदलने लग जाती हैं तो ये नकारात्मक रूप ले लेती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी इस विषय में गीता पर यही कहा है कि इंसान के दुख दोह का सबसे बड़ा कारण है कि केवल उसका मोह है। जी हाँ दोस्तों, चीज़ों से प्रेम करना, मोह रखना, इंसानों से प्रेम करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब इंसान मोह से एकदम ग्रसित हो जाता है तो वह लित होने लगता है, परेशान होने लग जाता है, और यही उसकी हर एक परेशानी का केंद्र बन जाता है। दोस्तों यदि देखा जाए तो इस बात को समझाने के लिए हम आप लोगों को एक छोटी सी बात बताते हैं जो आपके जीवन से जुड़ी है। अच्छे कर्मों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, आगे बढ़े तभी आपका कुछ हो सकता है। जुआ, शराब, वैश्यवृत्ति जैसी नकारात्मक गतियों से दूर रहने की आवश्यकता है, अन्यथा आप लोगों को नुकसान हो सकता है। दोस्तों या फिर हम आप सभी को बता दें, अपने मिजाज को आपको अच्छा रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको अपने भाई बहनों का पूरा साथ मिलेगा, यदि आप किसी से धन उधार लेंगे तो वह भी आपका आसानी से मिल जाएगा, लेकिन ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से आपके रिश्तों में खटास आ सकती है, इसलिए आप बहुत ही सावधानी बरतें। आपको किसी काम में आ रही समस्याओं के लिए अपने सीनियर से बातचीत करनी पड़ सकती है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई लिखाई में एकाग्रचित होकर जुड़ना होगा, तभी वे सफलता हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा ये समय आपके लिए तनावग्रस्त रहने वाला है, आपको अपनी सेहत में चल रही समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं करना है, नहीं तो दोस्तों बाद में वह कोई बड़ी बीमारी बन सकती है। आप अपने ज़रूरी मामलों में लापरवाही करने से बचें। तो दोस्तों
आगे हम आपको बताते हैं कुछ और सावधानियों के बारे में। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी हमारे घर में पधारो अवश्य लिखिएगा। और दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपका कोई भी सवाल हो या आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और आप अपना जन्म स्थान अवश्य डाल दीजिएगा। अपनी जन्मतिथि भी तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए बात कर लेते हैं आपके महाराशिफल के बारे में। यदि आप प्रेम में धोखा खाए हुए हैं तो दोस्तों अपने पार्टनर से तो अब वह पार्टनर अब बहुत ही रोने वाला है। क्यों? क्योंकि किसी का विश्वास और उम्मीद जब टूटता है तो बहुत ही दुख होता है। ना दिखाकर पल भर में साथ छोड़ देता तो अपने को के साथ बहुत ही बुरा होता है। यदि आपका पहले का कोई पार्टनर है जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है तो दोस्तों अब आपके पार्टनर का दिल टूटने वाला है और यह समय उनके जीवन का बहुत ही बुरा समय होने वाला है। कर्मों की सजा उन्हें मिलने वाली है और अपने कर्मों का, अपने किए गए गलतियों का भी उन्हें एहसास होने वाला है कि आपके ऊपर क्या बीता होगा जब उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया था। कहते हैं दोस्तों, सबका दिन एक में एक दिन जरूर आता है। दोस्तों, अब इसी के चलते अब इन शक्तियों का क्रोध अवतार, जो क्रोधित होकर लोगों का फल बांटने वाली है, अब आप उन्हें देख पाएंगे और आप चैन की सांस लेंगे। दोस्तों, आप बात करते हैं कि आपको अपनों को कैसे बचाना है। दोस्तों, यदि आपने किसी दुख के कारण, किसी धोखे के कारण आप अपने ही किसी चाहने वाले को दुखों में जाकर उनके लिए बहुत ही बुरा बोला था, बद्दुआएं दी थी, तो दोस्तों भगवान से उन्हें विनती करके ऐसा न होने की प्रार्थना करें, क्योंकि आप क्रोधित होकर बहुत कुछ कह जाते हैं जो आपको नहीं कहना चाहिए। तो दोस्तों, जिनमें आपके अपने भी शामिल है, यदि पिछले 6 महीने के अंदर अपने गुस्से में और शब्द बोला है, उन्हें बद्दुआ दी है, जिन्हें आप स्वयं प्यार करते हैं, तो आप भगवान से अवश्य ही प्रार्थना करें, क्योंकि इन शक्तियों के क्रोध से कोई बचाने वाला नहीं है। दोस्तों सावधान, कुछ गलतियां करके आप और भी ज्यादा परेशानियों में आ सकते हैं। युवा वर्ग की बात करें तो उन्हें पूर्ण रूप से स्थिर होकर कार्य करने में ध्यान देना चाहिए। अपनों के प्रति विश्वास की भावना जागृत ना होने दे, उन पर भरोसा करें, तभी वह भी आपके विश्वास पर खड़ा उतरने का प्रयास करेंगे। बात करें तो महिलाओं को कम के साथ सेहत और सौंदर्य दोनों का ही ध्यान रखना है। आपको आपके कार्य क्षेत्र की परिस्थितियों नियंत्रण के बाहर जा सकती है, परंतु आप अपना धैर्य बनाकर रखें और इसका रास्ता निकालने का प्रयास करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। व्यापार करने की बात करें, आपको आपके व्यापार में अधिक मुनाफा मिल सकता है। नए कार्य क्षेत्र में अग्रसर लोगों को नई तरक्की मिलेगी, परंतु अधिक मुनाफा प्राप्त करने के लिए आपको अपने व्यापार में बहुत अधिक मेहनत भी करनी पड़ सकती है, उसके बाद ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अपने पार्टनर के साथ में सामाजिक से बनाकर कार्य करें। अपने मन में किसी भी प्रकार का कोई गलत विचार ना ले, गलत विचार आपको आपकी उन्नति में पीछे लेकर जा सकता है, आपकी उन्नति में रुकावट आ सकती है। कल आपको आपके परिवार में या सगे संबंधियों में किसी प्रकार का कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है जिससे आपका मन बहुत अधिक प्रसन्न रहेगा। परिवार में कोई नई किलकारी गूंज सकती है, सभी बहुत अधिक उत्साहित रहेंगे। सभी लोग मिलकर नए मेहमान का स्वागत करें। यदि आपके रुके हुए काम हैं तो वह जल्दी बनने लग जाएंगे। आपकी बीमारियां भी कुछ काम हो सकती हैं। आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहेगा। आप कल किसी से बेवजह का कर्ज न ले, अन्यथा बेवजह का कर्ज आपको परेशानी में डाल सकता है और आप तनाव में आ सकते हैं। आपके लिए अधिकांश सकारात्मक रहेगा, रुके हुए कार्य बनने के योग बनेंगे। सामाजिक मान प्रतिष्ठा वृद्धि होगी, अपने आत्मविश्वास को कम न होने दे। शत्रु पक्ष कुछ कमजोर होगा। व्यावसायिक क्षेत्र में आ रही वाइन बढ़ाएं आपको विचलित कर सकती हैं। अपने कार्य के प्रति अधिक ध्यान दें। व्यवसाय के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को धीमी गति से लाभ होगा। कंपनियों में कार्यरत लोगों को बस की निकटता का लाभ मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग अपने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करें। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। कोर्ट कचहरी के मामले में सफलता मिलेगी। छोटी छोटी यात्रा करनी पड़ सकती है। वहीं कुछ नकारात्मक चीजों की ओर चर्चा करते हैं तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको किसी भी विपरीत परिस्थिति में हारना या परेशान नहीं होना चाहिए। दोस्तों संभव है अचानक आपको कोई बनते बनते कार्यों में बढ़ाएं आएंगे, परिस्थितियों अनुकूल होने लगेगी जिससे आपका आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। किसी भी प्रकार के तर्क वितर्क से बच्चे कार्य क्षेत्र में अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी। अपनी कार्यशैली में सकारात्मक परिवर्तन करने की आवश्यकता रहेगी। नीतिगत फैसले फसलों को लेने में विलंब ना करें। व्यापार में नए प्रयोग लाभकारी सिद्ध होंगे।
राजनीतिक क्षेत्र में पद एवं कद बढ़ सकता है। अपने अध्ययन से संबंधित समस्या को सुलझाने का प्रयास करें, अन्यथा भविष्य में परेशानियां पड़ सकती हैं। राजनीतिक क्षेत्र में विरोधी षड्यंत्र रचकर आपको महत्वपूर्ण पद से सकते सकते हैं। रोजगार की तलाश में घूम रहे लोगों को रोजगार से संबंधित शुभ समाचार मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग किसी विशेष विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। पारिवारिक कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर प्राप्त होगा। प्रेम जीवन की दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समय रोमांटिक जीवन में समस्या आ सकती है। प्रेम की बगिया में बाहर के लिए इस प्यार और विश्वास से सींचें। आपके मन में सपनों के राजा रानी के साथ समय बिताने की तीव्र लालसा है। आप अपने जीवन से खुश और संतुष्ट हैं, क्योंकि आपका प्रियतम आपका सच्चा दोस्त है जो आपसे सब कुछ शेयर करता है। आपकी लड़ाई हो सकती है, रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच सकता है। आप अपने लव पार्टनर से दिल की हर बात खुलकर कह सकते हैं। उन्हें सावधानियां एक दूसरे लेकर कुछ गलत फहमी हो सकती है। अपने पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, कहीं घूमने जा सकते हैं। वही वैवाहिक जीवन की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो दोस्तों, वैवाहिक जीवन में भी प्यार बढ़ सकता है। कोई संपत्ति खरीदने का यदि प्लान बना रहे हैं तो अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ में शॉपिंग करने जा सकते हैं। शादीशुदा लोगों को संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में कोई गलतफहमी आ रही है तो गलतफहमियों को जल्द ही समाप्त करने की कोशिश करें, अन्यथा बातें और भी ज्यादा विकराल रूप ले सकती हैं।